इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया, इसको बनाते हैं। कक्षा 9 के सेक्शन ए और बी के 90 छात्रों का गणित में औसत स्कोर एवरेज स्कोर 63 है, ठीक है। सेक्शन ए के छात्रों की संख्या सेक्शन बी के छात्रों की संख्या से 10 अधिक है। क्वेश्चन बनाते हुए चलते हैं ना, डाटा लिखते हुए चलते हैं। कह रहा है ए की जो संख्या है बी की तुलना में 10 अधिक है। टोटल छात्र कितना है भाई, 90 है, तो इसमें कितना होना चाहिए, 50 होना चाहिए, और इसमें कितना होना चाहिए, 40 होना चाहिए। बांट दो ना, 40-40 पहले कर दो, फिर 10 इसमें जोड़ दो ए में, टोटल हो गया इधर 50 और इधर हो गया 40, दोनों मिला के हो गया 90। अब इसको रेशियो मेथड से बनाएंगे ताकि आराम से बने, 0-0 काट दो, 5, ठीक है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, सेक्शन ए के छात्रों का औसत अंक, सेक्शन ए के छात्रों का औसत अंक एवरेज एवरेज रैंक जो भी बोलो या स्कोर बोलो, सेक्शन बी के छात्रों की तुलना में 30% अधिक है। यानी ए में कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, और बी में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, ये 0-0 कट जाएगा, यानी 13:10 आएगा, 13:10 आएगा। अब आगे देखिए, एक्स मान के चलना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या कह रहा है, सेक्शन बी के छात्रों का औसत अंक ज्ञात करें, सेक्शन बी के छात्रों का एवरेज रैंक पूछा जा रहा है। तो सिंपल है, बनाते हैं, ठीक है। इनका पहले सम देख लीजिए कितना हो जाएगा, ए में स्टूडेंट कितना है, 5 है, रेशियो से बना रहे हैं, और इनका औसत अंक कितना है, 13 है, तो 5×13 हो जाएगा, 5×13 एक्स लेके चलिए, प्लस, ठीक है, बी में स्टूडेंट कितना है, 4 है रेशियो में, कलर चेंज कर लेते हैं भाई, और औसत अंक कितना है, 10x है, × 10x कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर वाला हम मिटा देते हैं, तुम पर दे, यहां 13 था ना और यहां 10 था भाई। टोटल स्टूडेंट कितना है, 5 और 4 कितना हो गया, 9। इनका एवरेज स्कोर कितना है, 63 है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। अब आप सॉल्व कीजिए, ये इसके बराबर है, ठीक है। अब सॉल्व कीजिए, इधर कितना हो जाएगा, 13×5 65 65x प्लस 14×40x इक्वल टू, इधर कितना हो जाएगा, 9×63 रहने दीजिए, जरूरी नहीं है सबको गुना करना। इधर 65 और 40 कितना हो जाएगा, 5×6×4×10 105 हो जाएगा। यानी x इक्वल टू कितना आएगा भाई, 9×63/105 कटेगा, आराम से कटेगा, ठीक है, 7 से कट जाएगा, 7×7 7×5 35 पेन चल भाई, 7×9=63, ठीक है, 7×9=63 और कटेगा, हाँ कट जाएगा, 3×3=9 3×5=15 यानी 9×9=18 9×3=27 27/5 आया, कितना आया, 27/5 आया। इधर कर देते हैं, जगह नहीं है, 27/5 आया। अब आपसे क्या बोल रहा है, एक सब वैल्यू कितना आया, 27/5 आया। आपसे क्या बोला जा रहा है, सेक्शन बी के छात्रों का औसत अंक बताओ भाई। औसत अंक कितना था सेक्शन बी में, कितना था, 10x था, 10x था, x का वैल्यू कितना है, 27/5, तो इसमें पुट कर दो ना, तो कितना हो जाएगा, 10×27/5 5×5=5 10, यानी 27 दूनी कितना होता है, 54 होता है, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है।